हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और ऐसे समय में किसी भी पौधे की कटिंग को आप बड़ी आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फास्टली ग्रो भी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको 20 प्लस ऐसे पौधे बताने वाला हूँ जो कि ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ में कुछ फ्लावर्स वाले भी होंगे, जिनकी कटिंग को अभी इस समय आप लगाते हो अपने गार्डन में तो काफ़ी ज़्यादा पौधे आप अपने गार्डन में बना करके रेडी कर लोगे, जो कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे और रंगीन पत्तियों से आपके गार्डन को कलरफुल भी बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप किसी भी पौधे की कटिंग को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर उनमें रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि काफ़ी सुंदर से पौधे आपके गार्डन में बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपने द्वारा लगाई गई कुछ कटिंग्स भी मैं आपके साथ में इसी वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को भी आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, परमानेंट और फूलों वाले पौधे की सबसे पहला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो होता है हमारा बोगनविलिया का पौधा, जिसकी कटिंग अभी इस समय आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इसमें रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही छोटी छोटी कटिंग इसकी बड़ी आसानी से लग जाती हैं और काफ़ी सुंदर ये फ्लावरिंग भी करता है। सुपर परमानेंट हार्डी होने के साथ साथ में पूरे दिन की धूप में भी बड़े अच्छे से खिल जाता है और काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर फूल भी इसमें आते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा ऑरेंज कलर का है, ये लाइट पिंक कलर का है, सॉरी लाइट पर्पल कलर का है, और एक है ये वाइट कलर का, एक और है मेरे पास मजेंटा कलर का, लेकिन इसमें भी फ्लावर्स ब्लूम नहीं किए हुए हैं। तो कोई भी कलर वैरायटी की छोटी से छोटी कटिंग आप ला करके इस समय अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी और ढेर सारे रंग बिरंगे फूल आपके गार्डन में देती ही रहेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा है जिसकी कटिंग अभी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं, बड़ी फास्टली तरीके से ग्रो हो जाएंगी, वो होता है हमारा नागचंपा। देख सकते हैं आप कितना सुंदर इसमें फ्लावर भी ब्लूम किया हुआ है और छोटी सी छोटी कटिंग इसकी बड़ी आसानी से लग जाती है। कहीं पर भी आप इसका पौधा देख ले तो छोटी सी कटिंग कट करके ले आएँ। ये जो मेरा पौधा देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और छोटी सी कटिंग मैंने इस वाले पौधे की भी लगाई है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ समय पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी तो किसी को दिखाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो गई हैं और इसकी पत्तियां सारी एक्टिव हैं, तो मुझे लगा है कि इसकी कटिंग ना सक्सेसफुल हो गई हैं। तो बरसात के समय में अभी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, छोटी छोटी कटिंग इसकी आसानी से रेडी हो जाएंगी और ढेर सारे पौधे आपके गार्डन में बना करके रेडी कर देंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बहुत ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसकी पत्तियाँ भी होती हैं। हालाँकि ये फ्लावरिंग तो नहीं करता है, लेकिन काफ़ी सुंदर इसके पत्तियों का शेप होता है, फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन फ्लावर्स इतने खास नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा टेंगल हार्ट का पौधा, जो कि एक हैंगिंग बास्केट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है और छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है, क्योंकि इनकी हर एक पत्ती के बाद में नोड एरिया होता है जहाँ पर एरियल रूट्स निकलती रहती हैं, तो इनका आप छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने भी एक इसी तरीके से DIY पॉट्स में आपके साथ में ही शेयर किया था, जिसमें मैंने छोटी छोटी कटिंग्स डाली थी और देख सकते हैं आप कितना सुंदर मेरा पौधा बन करके रेडी हो चुका है। और हैंगिंग बास्केट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, तो छोटी छोटी कटिंग से ढेर सारे पौधे इसके भी बना करके आप रेडी कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से लग जाएंगे और काफ़ी सुंदर आपके गार्डन को ये बनाते ही रहेंगे। फ्रेंड्स, फूलों वाले पौधे के साथ साथ में अगर आपको सुंदर पत्तियों वाले के ऑर्नामेंटल पौधे देखना पसंद है तो आप इस समय डेविल्स बैकबोन की कटिंग को लगाना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियाँ होती हैं और विंटर सीजन में तो इसकी पत्तियों में वेरिएशन आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। देखिए अभी भी कुछ आने लगा है, हल्का हल्का पिंक सा शेड इसमें आने लगा है, और विंटर सीजन में तो पूरी ही ये पत्तियाँ एकदम कलरफुल बन जाती हैं। तो ऐसे समय में इस प्लांट को आप अपने गार्डन में लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। छोटी सी छोटी कटिंग मैंने भी इसकी ग्रो की थी, ये देख सकते हैं आप, ऐसे छोटे से DIY कंटेनर में आपके साथ में ही ग्रो की थी और ये कटिंग भी मेरी काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है। तो लगभग 2 से 3 इंच की कटिंग भी यदि आप इसकी लेंगे तो बहुत सुंदर इसकी कटिंग आपके गार्डन में बन करके रेडी हो जाएंगी। 3 वेरायटी के आते हैं, एक है वेरिएशन वाली वेरायटी, एक है नॉर्मल ग्रीन वाली वेरायटी, और एक और होती है इसमें बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियों वाली। तो कोई भी कलर वैरायटी के डेविल्स बैकबोन की कटिंग्स ला करके आप ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में एज ए फ्री में बना करके रेडी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गार्डन में हमेशा फूलों को देखना पसंद है तो आप विंका के पौधे की कटिंग को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो कि वे बरसात के समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो जाएंगी और ढेर सारे पौधे आपके गार्डन में एज ए फ्री में बना करके रेडी कर देंगी, और मुश्किल से 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि इतना ज़्यादा हार्डी होने के साथ साथ में बहुत ही सुंदर ये फ्लावर्स भी देता है। ये देसी वाली वैरायटी का है, जिसमें एक पिंक और एक वाइट कलर होता है, तो वाइट कलर भी मेरे पास है, जिसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो सुंदर सुंदर फूलों के साथ साथ में इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है, तो विंका के पौधे की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में रेडी कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा आप लगा सकते हैं वो होता है हमारे पोर्चुला का। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होने के साथ साथ में काफ़ी ईजिली इसको ग्रो करना होता है फ्रेंड्स। बस इस तरीके से टिप की कटिंग भी आप इसकी कट करेंगे, सिंपली 2 इंच की कटिंग आप कट करके नीचे से 2 पत्ती हटा करके बस कहीं पर भी ऐसे सिंपली तरीके से लगा देंगे तो मुश्किल से 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, फुल सनलाइट में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, कई सारे कलर पैटर्न्स में आते हैं। मेरे पास इसके 3-4 कलर हैं तो आप कोई भी कलर का ला करके लगा सकते हैं। ये इसका ऑरेंज कलर है, ये पिंक और वाइट का मिक्स कलर है और ये इसका रेड कलर है। हालांकि तीनों ही कलर मेरे पास अभी खिले हुए हैं, बाकी के कलर मेरे पास नहीं खिले हुए। पिंक वाला मेरे पास आगे वाली क्यारी में लगा हुआ है। तो कोई भी कलर वैरायटी का ला करके आप इस समय लगा सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है। कहाँ पर भी इसके पौधे देख लें तो छोटी से छोटी कटिंग इसकी कट करके ले आएँ, बड़ी आसानी से लग जाएगा और ढेर सारे पौधे आपके गार्डन में एज ए फ्री में बना करके रेडी कर लोगे। तो छोटी छोटी कटिंग से इस पौधे को भी इस समय लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा आप लगा सकते हैं वो होता है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, जो कि एक बहुत ही सुपर परमानेंट हार्डी पौधा होता है और पूरे ही साल फ्लावरिंग करता रहता है। बस लास्ट के 2 महीने यानी कि नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी फ्लावरिंग ये रोक देता है, बाकी पूरे ही साल फ्लावरिंग करता ही रहता है। डार्क ब्लू कलर के इसके फ्लावर्स ब्लूम होते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं और ये देसी वाली वैरायटी का होता है फ्रेंड्स। इसमें आजकल कई सारे कलर पैटर्न्स आने लगे हैं, इसमें 2 कलर और आते हैं, एक पिंक वाला और एक वाइट कलर का, जो कि वो भी है मेरे पास में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इसको आप छोटी छोटी कटिंग से बड़े आसानी से लगा सकते हैं और एक बार लगाने के बाद में इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता रहेगा कि आप इसको हटाते हटाते थक जाओगे, पर ये पौधा आपके गार्डन से नहीं हटने वाला है। मैंने भी कई सारे उखाड़ करके फेंक दिए हैं बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे गार्डन में लगे हुए हैं और बरसात के समय में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो छोटी छोटी कटिंग से मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि हमेशा फ्लावरिंग करता ही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको अपने गार्डन में पॉलिनेटर्स, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और हमिंग बर्ड्स को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप इस वाले पौधे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये पौधा होता है फ्रेंड्स बटरकप का पौधा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा खुशबू वाला होता है, जो कि मधुमक्खियों को, तितलियों को और हमिंग बर्ड्स को अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के इसके फ्लावर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं दिखने में। छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और अगर आप कटिंग से ग्रो नहीं करना चाहते तो ये जो इसके फ्लावर होते हैं ये सूख जाने के बाद में ढेर सारे सीड्स बनाते हैं, जो कि अपने आप से यहाँ वहाँ गिर करके काफ़ी ज़्यादा पौधे आपके गार्डन में फ्री में बना करके रेडी कर देंगे, जिसको आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा इसके पौधे मेरे गार्डन में अपने आप से निकल आए हैं। तो छोटे छोटे बीजों से, छोटी छोटी कटिंग से ढेर सारे पौधे आप फ्री में बना करके अपने गार्डन में रेडी कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपके गार्डन को बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स बार बार पौधे लगा लगा करके परेशान हो गए लेकिन फिर भी पौधे नहीं लग पा रहे हैं तो आप इस अजूबे के पौधे को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है इसको लगाना। सिंगल पत्ती से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो इसकी पत्ती देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी जो नौ कॉर्नर होते हैं इस पर ढेर सारे पौधे अपने आप से निकले हुए रहते हैं, तो आप एक बार लगाने के बाद में दोबारा इसको कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और छोटी छोटी कटिंग्स बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। मेरा भी पौधा ख़राब हो गया था तो मैंने उसकी छोटी सी कटिंग कट करके यहाँ पर लगा दी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसमें एरियल रूट्स भी यहाँ पर निकलने लगी हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा आप लगा सकते हो छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, इवन इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो होता है हमारा स्नेक प्लांट का पौधा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है घर के लिए, क्योंकि ये हवा को शुद्ध कर देता है और बहुत ज़्यादा एयर प्योरीफाई करता है। इसको घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आप ग्रो कर सकते हैं और छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से इसको लगाया जा सकता है। एक सिंगल एक पत्ती से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, मैंने भी लगाया है, इसकी पत्ती कट करके मैंने यहाँ पर लगाई थी जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें वेरिएशन अब ख़त्म हो गया है, कोई नया ही कलर मेरे गार्डन में इसका निकला हुआ है। तो छोटी छोटी पत्तियों से, सिंगल सिंगल कटिंग से ढेर सारे पौधे आप फ्री में बना करके रेडी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप चंपा की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, जो कि रोड साइड डिवाइडर्स पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इनके पौधे लगे हुए रहते हैं। ये देखिए मेरे पास भी इसकी एक ही वैरायटी थी, लेकिन मैं कहीं पर गया था घूमने तो वहाँ पर मुझे एक और इसकी डिफरेंट वैरायटी दिखी, तो मैंने इसकी छोटी सी कटिंग कट करके ले आया था, बस इतनी सी। और देख सकते हैं आप, मैंने इसमें 2 कटिंग लगाई थी और दोनों ही मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं। तो बड़े अच्छे से चंपा के पौधे भी आप अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर फ्लावरिंग करते हैं और कई सारे कलर पैटर्न्स में आते हैं। तो चंपा की कटिंग को भी इस समय आप लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इसमें जो वाइट कलर का सेप निकलता है उसको पूरा सूख जाने के बाद इसकी कटिंग को ग्रो करना होता है, जिससे कि आपकी कटिंग का भी फंगस लग के ख़राब ना हो सके। तो इसकी कटिंग भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप डियो की कटिंग को इस समय अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि सुंदर सुंदर पत्तियों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके गार्डन को और कलरफुल बनाती रहेंगी। फ्रेंड नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी की तो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, बट इस तरीके से अगर वेरिएशन वाली वैरायटी का आपको कहीं से मिल जाता है तो आप इसको भी ला करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसका पौधा खरीदा था लेकिन रिपोर्ट करने का समय नहीं मिला, लेकिन अब करने वाला हूँ।
देख सकते फ्रेंड इसकी कटिंग को मैंने यहाँ पर एक छोटे से वेस्ट कंटेनर में मैंने लगाया था और काफ़ी अच्छे से इसकी कटिंग मेरी ग्रो भी हो गई है। इसमें कोई ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है देख सकते हैं आप, और कितनी सुंदर इसकी कटिंग लग करके तैयार हो चुकी है, जो कि काफ़ी सुंदर ये वेरिएशन लिए होती हैं पिंक एंड वाइट कलर का। तो छोटी छोटी कटिंग से इस समय ढेर सारे पौधे रियो के बना करके आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव आपके गार्डन को ये बनाने वाले हैं। और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इनमें रूटिंग भी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप पर्पल हार्ट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि सिंपली तरीके से ग्रो हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी कटिंग इसकी बड़ी आसानी से लग जाएंगी। ये जो आप सामने पौधा देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको मैंने भी कटिंग से ही ग्रो किया था। लगभग इतनी सी कटिंग में कहीं से लेकर के आया था और काफ़ी अच्छे से इसके ढेर सारे पौधे मैंने अपने गार्डन में बना करके रेडी कर लिए हैं। और इसमें ना लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स भी ब्लूम होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। फिलहाल अभी फ्लावर्स आए नहीं हैं, यहाँ पर कलियाँ बन रही हैं। बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी होने वाली है। बरसात के समय में काफ़ी तेज़ी से ये पौधा फैलने वाला होता है, तो जिसको भी आप छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और मुश्किल से 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इसमें रूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ऑल्टरनेट लेंथरा की इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये मैंने इस छोटे से वेस्ट कंटेनर में लगाई हुई है अपने मदर प्लांट की छोटी छोटी कटिंग कट करके, काफ़ी अच्छे से लगभग ग्रो भी हो चुकी हैं। मुश्किल से 7 से 8 दिन पहले मैंने इनको लगाया था और देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इनकी हाइट हो चुकी है। तो छोटी छोटी कटिंग से ऑल्टरनेट लेंथरा के प्लांट्स को भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर कलर्स आपके गार्डन में ऐड करते हैं। देख सकते हैं आप, इसकी पर्पल हार्ट की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई थी, ये भी मेरी ग्रो हो गई है। तो बरसात के समय में आप छोटी छोटी कटिंग से इस समय ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में बना सकते हैं। फ्रेंड्स इस पौधे को कौन नहीं जानता, आजकल हर किसी के घर में ये पौधा आपको देखने को बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये पौधा होता है हमारा मनी प्लांट का पौधा, जिसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग क्या, मैं तो कहूँगा इसको आप सिंगल पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी कई सारे किए हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरा मदर प्लांट है देख सकते हैं आप, जिसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। काफ़ी ज़्यादा बुशी मेरा पौधा बना हुआ है और इसी की कटिंग को कट करते हुए मैंने यहाँ पर ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में बना रखे हैं। छोटी छोटी कटिंग यानी कि सिंगल सिंगल पत्तियों से मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा पौधे बनाए हुए हैं। तो आप भी बरसात के समय में और खास करके जुलाई के महीने में ढेर सारी कटिंग्स को लगा करके अपने गार्डन में फ्री में पौधे बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप परमानेंट हार्डी पौधे यानी कि खास करके फूलों वाले पौधे को बिल्कुल आसानी से इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये मैंने भी कुछ समय पहले कनेर की कटिंग ग्रो की थी, हालांकि कनेर के 4 कलर मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट ये जो हाइब्रिड वाली कनेर है फ्रेंड्स, इसकी कटिंग मुझे कहीं से मिल गई थी। तो मैंने इस बस इतनी सी कटिंग इसकी ग्रो की थी इस छोटे से पॉलीथीन बैग में, और देख सकते हैं आप कितनी सुंदर इसकी हाइट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा भी मेरा बन करके रेडी हो चुका है और नीचे से भी काफ़ी अच्छी ये ग्रोथ कर रहा है। तो छोटी छोटी कटिंग से आप कनेर के पौधे को भी इस समय लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग करते हैं और परमानेंट हार्डी प्लांट होता है, जो कि फुल सनलाइट में बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस कटिंग को मैं बड़े से कंटेनर में रिपोर्ट करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर ये फ्लावरिंग भी करेगा इस समय मेरे गार्डन में। तो छोटी छोटी कटिंग से आप कनेर के पौधे को भी लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको लंबे समय तक अपने गार्डन में फ्लावर्स देखना पसंद है, तो आप इस वाले पौधे की कटिंग को ज़रूर लगाइएगा। ये पौधा होता है फ्रेंड्स यूफोर्बिया मिली का। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होने के साथ साथ में काफ़ी लंबे समय तक इसके फ्लावर्स इसके प्लांट के ऊपर टिके हुए रहते हैं, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा। इसकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। हालांकि इसकी कटिंग को आप पूरे साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, बट अभी जुलाई के महीने में काफ़ी फास्टली इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, छोटे से पॉलीथीन बैग ग्रो बैग में ही मैंने इसकी कटिंग को ग्रो किया था लगभग 1 महीने पहले, और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी कटिंग मेरी गार्डन में लग करके रेडी हो चुकी है। और छोटी छोटी कटिंग से इसके ढेर सारे पौधे आप बना सकते हैं। ये देखिए इसमें कितनी ज़्यादा इसमें रूट्स भी निकल चुकी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पौधे इसके आप बना सकते हैं। मैंने भी कई सारे बनाए हैं, एक यहाँ पर लगाई थी और लगभग 1.5 से 2 साल पहले लगाई थी मैंने ये वाली कटिंग, और देख सकते हैं आप कितना बड़ा इसका पौधा बन चुका है और लगभग 3-4 बार ये फ्लावरिंग भी कर चुका है। तो ये मेरा मदर प्लांट है, जिसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, और इसके ढेर सारे पौधे बना करके मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट भी कर दिए हैं। तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट को आप छोटी छोटी कटिंग से लगा करके ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने कुछ गुड़हल की कटिंग को भी ग्रो किया था, जो कि अब काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई हैं और सभी में काफ़ी सुंदर सी पत्तियां भी निकलने लगी हैं। तो ढेर सारे पौधे आप गुड़हल के भी कटिंग के लगा करके रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास 5 कलर की गुड़हल हैं, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। हालांकि मदर प्लांट मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, बट ढेर सारी कटिंग्स मैं ग्रो करता ही रहता हूँ। तो इस समय आप भी ढेर सारी कटिंग को ग्रो करके जुलाई के महीने में, खास करके जुलाई के महीने में ढेर सारी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं अपने द्वारा लगाए गए कटिंग्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स इन सभी पॉलीथीन बैग्स में मैंने ढेर सारी कटिंग्स को ग्रो किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो भी गई हैं कुछ तो, और कुछ अभी लगने बाकी हैं। तो इस समय आप जुलाई के महीने में ढेर सारी कटिंग्स को लगा करके अपने गार्डन में काफ़ी ज़्यादा पौधे अपने गार्डन में इसे फ्री में बना करके रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करते जाएगा, ताकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस को बनाने के लिए।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो पौधे जो फ्रेंड्स अपने पौधे की कटिंग्स को ग्रो करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।